नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सतरंगी जीवन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ बनाने नहीं जा रहे हैं हम। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि गाजर को स्टोर करके कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने गाजर को छील कर अच्छे से वॉश करके इसे सुखा लिया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसके बाद इसे हम कट करेंगे और इसे इस तरह से छीलना है कि ऊपर इसके बिल्कुल भी ऐसे रूट्स वगैरह नहीं रहे। ये देखिए, तो चलिए अब इसे कट करते हैं। तो आप चाहें तो इसे छोटा कट करें या लंबा कट करें, जैसे भी कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा लंबा कट करती हूँ, तो इस तरह से लंबा लंबा कट करूंगी पहले। फिर ये बीच में से कट किया है इसे, और ऐसे थोड़ा पतला पतला कट करेंगे। ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। इस तरह से सारी गाजर कट कर लेती हूँ मैं। और ये लाल वाली ही गाजर है, आप चाहें तो काली वाली को भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी गाजर को कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। इसे इतना नहीं उबालना है कि उबलने ही लग जाए। इस तरह से देखिए, इसमें छोटे छोटे ये बुलबुले हैं, ऐसे आ जाए। उसके बाद आपने जो गाजर काटी है उसको इसमें डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच शुगर। शुगर से इसका कलर मेंटेन रहता है। और इसको हमें सिर्फ 3 मिनट के लिए इस पानी में रखना है और फिर इसे बाहर निकाल लेना है। आप घड़ी देख कर ही रखें। 3 मिनट हो चुके हैं। अब गाजर को इस पानी में से निकालेंगे। गाजर को गर्म पानी में से निकाल के सीधे इस ठंडे पानी में न डालना है आपको, और इसे 3 से 4 मिनट के बाद इस पानी से भी निकाल लेंगे हम। जब 3 मिनट हो जाए तब उसके बाद गाजर को इस पानी से निकालेंगे और इसे एक कपड़े पर बिछाएंगे हम। तो पहले तो मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद इसे एक कपड़े पे बिछाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस पानी से निकालने के बाद गाजर को बिल्कुल ड्राई करना है हमें। अब गाजर को इस कपड़े पर हम इस तरह से डाल देंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो भी निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको ड्राई होने के बाद ही हम जिपलॉक थैली में डालकर इसे रखेंगे। अगर गाजर को इस तरह से ड्राई नहीं किया हमने तो गाजर जल्दी खराब हो जाएगी। ये देखिए, गाजर बिल्कुल सूख गई है। ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब ऐसी एक जिपलॉक थैली लेंगे जो ऊपर से बंद होती हो इस तरह से, इसमें ये गाजर हम डाल देंगे। ये सारी गाजर को मैंने इस जिपलॉक थैली में डाल लिया है। अब इस तरह से इसकी एयर निकालेंगे हाथ से यूं करके। इस तरह से एयर निकाल के और यहां से बंद कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल एयर नहीं रहनी चाहिए। इसकी पूरी एयर अच्छे से निकाल कर उसके बाद ही इसे बंद करें। अब इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप पसंद आएगी। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।